हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैट्रिक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज है 25 तारीख और जैसा कि आप लोग वेट कर रहे थे तो कुछ देर पहले बीसीसीई बोर्ड के साइट पे आप लोगों के लिए आज बीसीसीएल 2023 का न्यू सीट मैट्रिक्स आना था, तो न्यू सीट मैट्रिक्स आप लोगों के लिए आ चुका है। लेकिन आप लोगों को न्यू सीट मैट्रिक्स के बारे में बिल्कुल बारीकी से जानना होगा। क्या जानना होगा कि जो पहले सीट मैट्रिक्स आया था उसमें से मात्र 1000 सीट थे, लेकिन अभी जो न्यू सीट मैट्रिक्स बन के आया है इस बार पिछले बार से जो है ना कि अलग कुछ डिजाइन करके न्यू सीट मैट्रिक्स दिया गया है। तो टोटल जो आपको सीट देखने के लिए मिलेंगे, टोटल सीट बढ़ के हो गया है 5212 सीट हो गया है, जिसमें से डीक्यू कोटा इंक्लूडेड है। लेकिन अब देखिए यूआर, हम लोग जानते थे पहले सिर्फ यूआर मिलता था, लेकिन अब जो है कि फीमेल कैटेगरी को और मेल कैटेगरी को अलग कर दिया गया। तो यूआर में देखिए मेल के लिए जो सीट है वह है 1187, जबकि फीमेल कैटेगरी जो यूआर से आएंगे उनका है 593, यानी 593 सीट है किनके लिए, फीमेल यूआर के लिए। जबकि एससी के लिए, मेल एससी के लिए 763 सीट है, जबकि फीमेल एससी के लिए 382 सीट रिजर्व हैं। जबकि एसटी के लिए 55 सीट हैं और फीमेल एसटी के लिए 27। उसी तरह से ईबीसी में जो आते हैं उनके लिए 624 है, जबकि फीमेल ईबीसी वालों के लिए 311 सीट रिजर्व हैं। जबकि बीसी मेल के लिए 340 सीट, फीमेल बीसी के लिए उनके लिए जो है 171 सीट रिजर्व है। जो आरसीजी कैटेगरी यानी रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स का जिनका रैंक बना हुआ होगा उनके लिए सीट जो है कि 182 सीट रिजर्व है। और ईडब्ल्यूएस में जो जिनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो उनके लिए 387 सीट है मेल के लिए, जबकि फीमेल के लिए 190 सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए। और डीक्यू कोटा वाले के लिए 54 सीट है, जो लोग डीक्यू कोटा से बिलोंग करते हैं उनके लिए। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा कर दिया है कि कितना सीट है। उसके बाद जब आप जो है ना सीट मैट्रिक्स ओपन कीजिएगा तो सीट मैट्रिक्स में ये भी दे दिया है कि कहाँ पे एसटी वालों के लिए सीट है, कहाँ पे एससी वालों के लिए सीट है, कहाँ पे फीमेल के लिए है, कहाँ पे मेल के लिए है, सारी चीज जानकारी उसमें दे दिए गए हैं। लेकिन आप लोग उतना दिमाग पच्ची करने की कोई जरूरत नहीं है, उतना सोचना वगैरह करना कुछ नहीं है। तो करना क्या है, आप जो है कि एम बना लीजिए कि आपको ब्रांच कौन से लेने हैं। अभी आपने सोच लिया कि हमें जो है कि कंप्यूटर साइंस लेना है, सिविल लेना है, मैकेनिकल लेना है, इलेक्ट्रिकल लेना है, तो जो भी ब्रांच लेना है उसके बारे में सोचिए और उसका सीट देखिए कि कितना है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि जो भी ब्रांच लेना है वह ब्रांच देख लीजिएगा कि किस किस कॉलेज में है। तो हम एक एक करके आप लोगों को बताते हैं। अभी तुरंत हमने जोड़ा सीट जो है कि टोटल, चूंकि देखिए अभी डिमांडिंग सिविल चल रहा है, लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि डिप्लोमा जिस ब्रांच से किए हैं कोशिश करना है कि बीटेक भी सेम ब्रांच से करें, क्योंकि अभी कुछ दिनों में वैकेंसी आने वाला है, उसकी तैयारी में आपको दिक्कतें ना हो, क्योंकि 2024 जो है कि गोल्डन पीरियड है, सभी के लिए होगा, आपके लिए भी होगा। क्योंकि फर्स्ट चांस में अगर नौकरी ले लेते हैं तो माँ बाप के का जिंदगी जो है कि बदल जाएगा, नहीं तो भैया फिर से 5 से 6 साल आपको लटकना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जो है कि ब्रांच कोशिश करिएगा सेम रखने का। तो देखिए सिविल वालों का, सिविल इंजीनियरिंग का जो सीट है टोटल है आपको 665 सीट है, तो कहीं ना कहीं इस बार अच्छा खासा सिविल का भी सीट है, तो अच्छा खासा रैंक तक 665 है, तो कम से कम मानिए यूआर में ज्यादा जाएगा, 700-800 तक तो एडमिशन हो ही जाना चाहिए। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल, सॉरी उसके बाद देखते हैं मैकेनिकल वालों का। मैकेनिकल का तो दुर्दशा भैया खराब है, मैकेनिकल में सीट जो है कि सबसे ज्यादा 1813 सीट मैकेनिकल वालों का बचा हुआ है। तो भैया जो डिप्लोमा मैकेनिकल से किए हैं बीटेक में भी चाहत रखिए मैकेनिकल से करने का। होता क्या है, डिप्लोमा में सबका ब्रांच कुछ और रहता है, बीटेक में कुछ और ब्रांच लेते हैं, इसलिए ये चीज देखने के लिए मिल रहा है। उसी तरह से है इलेक्ट्रिकल का भी, तो इलेक्ट्रिकल का भी कोई खास नहीं है, इलेक्ट्रिकल का भी आपको 1331 सीट देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए ट्रिपल ई, यानी कि ध्यान से सुनिएगा, जो लोग डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं उनके लिए बता रहे हैं, जो वो लोग इलेक्ट्रिकल यानी कि ट्रिपल ई भी ले सकते हैं, ईसीई भी ले सकते हैं या डबल ई भी ले सकते हैं। तो ट्रिपल ई का सीट जो है कि भैया बहुत ही कम है, देख लीजिएगा ट्रिपल ई का सीट मात्र 122 सीट है,
जबकि एक और ब्रांच है ईसीई इलेक्ट्रो एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसका सीट भैया आपको जो है कि 528 सीट है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सबसे पसंदीदा ब्रांच जो बच्चे लोगों को दिया जाता है कि भैया कंप्यूटर साइंस ले लेना, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में क्या होता है कि प्राइवेट में नौकरी जल्दी आसानी से लग जाता है, तो कंप्यूटर साइंस में भी कुछ खास सीट नहीं, 154 सीट है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर देखिए लिखा हुआ मिलेगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, लेकिन उसका डिपार्टमेंट बहुत सारा बांट दिया गया था। हमने अभी जो आपको सीट बताया, यह बताया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 154 सीट, लेकिन देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो है आपको कितना ब्रांच जो है कि डिवाइड किया है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी AI एंड ML, यानी कि AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ML का मतलब हो गया मशीन लर्निंग। तो अभी देखे होंगे आप चैट GPT वगैरह जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वर्क कर रहा था, तो इसलिए जो है कि कहीं ना कहीं इस सबका वरीयता दिया गया है, मान्यता दिया गया है। उसके बाद देखिए आपको दूसरा इसी में ऐड किया है डाटा साइंस, उसके बाद अलग ब्रांच है IoT, यानी IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसके बाद है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग नेटवर्क्स का अलग है, जिसमें कि नेटवर्क भी बहुत प्रकार के होते हैं, लैन होता है, वैन होता है, यानी बहुत प्रकार के नेटवर्क होते हैं, वो हो गया आपका। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सेक्रेटरी का हो गया, उसी तरीके से एक और है ब्लॉक ऑफ चेन, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है कि आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का बहुत सारा ब्रांच हो गया। तो उसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग वाले ध्यान दीजिएगा कि सिविल इंजीनियरिंग में भी आपको एक दिया है सिविल इंजीनियरिंग विथ एप्लीकेशन, तो कहीं ना कहीं उस पर भी ध्यान देना है, तो सिविल से ही रिलेटेड कहीं ना कहीं होगा। तो देखिए आजकल के जमाने में क्या है, आपको नॉलेज होना चाहिए, अगर आपके पास नॉलेज है, जरूरी नहीं है कि जितने लोग पढ़ाई करते हैं सारे लोगों का नौकरी हो जाता है। और याद रखिएगा कि जो है ना, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप जो है कि बगैर गवर्नमेंट जॉब का भी बहुत अच्छा कर सकते हैं बिजनेस में, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको MIT मुजफ्फरपुर, यानी कि और ब्रांच है इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT के 13 सीट है, लेदर टेक्नोलॉजी के 10 सीट है, बायोमेडिकल एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के 15 सीट है। और उसके बाद हम चलते हैं आपको लेके DCE दरभंगा, दरभंगा में आपको है फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी, यानी कि फायर टेक्नोलॉजी मतलब क्या हो गया, आग वगैरह जो लगता है उसमें किस तरह से बचाव करना है उसके बारे में जानकारी होता है। तो ये आपको है दो कॉलेज में, DCE दरभंगा में भी है और BCE बख्तियारपुर में है, तो इस सब का भी वैकेंसी आता है, क्योंकि देखिए इस सब में जो है ना कोई लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, ठीक है, लेकिन वैकेंसी आता है, तो जो लोग किए हुए रहते हैं उन लोगों का सिलेक्शन 100% हो जाता है। उसके बाद देखिए आता है नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडी, चंडी में देखिए सबसे जो है कि बहुत ही अच्छा ब्रांच जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एरोनॉटिकल के बारे में तो आप लोग जानते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग 13 सीट है आपको नालंदा में, जरा इस पर भी ध्यान दीजिएगा। अगर उस समय जो है ना हमने ध्यान नहीं दिया, हमें पता नहीं था, अगर हमें भी रहता तो हम भी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तरफ ही बढ़ते, क्योंकि उधर पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, ठीक है। उसके बाद देखिये LNJPIT छपरा में चलते हैं, और वहां पर आपको एक ब्रांच देखने के लिए मिलेगा फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, यानी कि एक KCE कटिहार में भी यह सीट आप, यानी कि यह ब्रांच आपको देखने के लिए मिलेगा फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्विंग, यानी कि फूड प्रोसेसिंग किस तरीके से फूड का प्रोसेस होता है और उसको किस तरीके से बचाना है, प्रिजर्व करना है, उसके उसके लिए जो है कि छपरा में 55 सीट है जबकि कटिहार में 63 सीट है। और चलते हैं सासाराम में, SCE सासाराम, सासाराम में माइनिंग इंजीनियरिंग है, जो लोग झारखंड से डिप्लोमा किए होंगे वो लोग माइनिंग में चूंकि विभाग ध्यान देते हैं, माइनिंग क्या होगा कोल विभाग, तो माइनिंग से अगर कीजिएगा तो कोल विभाग में नौकरी लगने के चांसेस आपको ज्यादा रहती है, और माइनिंग विभाग से वैकेंसी भी आता है, चूंकि हमारे बिहार के बगल में ही झारखंड है, कोयला का खदान है, ठीक है। तो उसमें 45 सीट है, तो जो लोग माइनिंग से डिप्लोमा किए हैं माइनिंग से बीटेक कर लीजिए, बल्ले बल्ले हो जाइएगा। उसके बाद देखिए एक और है आपको चलते हैं लेके BPMCE मधेपुरा के तरफ लेके चलते हैं, मधेपुरा में है एक 3D एनिमेशन एंड ग्राफिक्स, 3D एनिमेशन और ग्राफिक्स, जिसमें की 14 सीट है। अब देखिए 3D एनिमेशन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, आप लोग जो है ना 3D देखते हैं, एनिमेशन मतलब क्या हुआ कि जैसे कि क्यूब है, क्यूबाइड है, या उसी प्रकार से देखते हैं आदमी का 3D एनिमेशन,
तो कोई चीज का एनिमेशन बनाना और उसके ग्राफिक्स के बारे में अगर आपको नॉलेज होगा भैया, बिना नौकरी किए हुए अगर आप यूट्यूब पर आते हैं तो करोड़ों का करोड़ों छापिएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको 3D एनिमेशन बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, बनाने के लिए आना चाहिए, तो आप छाप दीजिएगा। आप पहले जो लोग 3D एनिमेशन से और ग्राफिक्स से बीटेक कर लेंगे, वो अगर उनको जॉब नहीं लगेगा तो वो हमसे संपर्क कीजिएगा और हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से आपको वर्क करना है, आपका चैनल ग्रो करेगा और नौकरी वाले को आप दाव दीजिएगा, ये दावा है, गारंटी है। उसके बाद लेके चलते हैं आपको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग भोजपुर। भोजपुर में भी एक ब्रांच है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, जिसमें कि 66 सीट है। तो लोग डिप्लोमा जो लोग बाहर से करते हैं प्राइवेट वगैरह से, तो उन लोगों में इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग भी रहता है, तो उससे करते हैं तो उन लोगों के लिए भी सहूलियत है कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि आप लोगों का सीट 5212 तो सीट हो गया, लेकिन आप लोगों ने ब्रांच के बारे में सोचिए, 665 सीट है, मैकेनिकल में 1800 है और इलेक्ट्रिकल में 1300 है, ट्रिपली में 122। देखिए कहीं ना कहीं ट्रिपली में 122 सीट क्यों है, क्योंकि ट्रिपली के तरफ ज्यादा भागते हैं लोग, कंप्यूटर साइंस में कम है, कंप्यूटर साइंस के तरफ लोग ज्यादा भागते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने अनुसार, हमने आपको बताया हम अपने अनुसार, लेकिन आपको अपने अनुसार दिमाग को स्थिर करना है, सोचना है। जिन लोगों से आज 25 तारीख है आपके सीनियर होंगे, जो भी कॉन्टेक्ट में हो, आपके गार्जियन है, आपके सीनियर, अगर कोई सीनियर है जो बीटेक कर रहे हैं उस ब्रांच से, तो पता करने का प्रयास कीजिए कि किस तरह का स्कोप है, क्योंकि हमें जहां तक पता रहता है वहां तक हम आपको बताते हैं। बाकी बात तो हम लोग जानते हैं, डिप्लोमा में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, लेकिन बीटेक में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सोचना समझना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ब्रांच बहुत ही अच्छा है, अलग अलग डिवाइड किया है, बहुत ही अच्छा लगा हमें। तो इस प्रकार से हम लोगों के समय में भी होता तो और जो है कि पढ़ने में मजा आता, लेकिन आप लोगों को मौका मिला है तो मौका को जाने मत दीजिएगा, अच्छे से पढ़िए और मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेज को चूज करना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्रांच को भी चूज करना है। ये मत सोचिएगा कि हमें जो है कि 10 कॉलेज चूज किए हमारा रैंक कितना है तो मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इस अच्छे से पूरे सीट मैट्रिक्स को समझिए, और अगर आपको दिक्कतें होती है डाउनलोड करने में तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल डायमंड मैथ टेक को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको PDF मिल जाएगा। बाकी अगर चैनल पे ना है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तब के लिए जय हिंद।